हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जनरली कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसमें वन क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अथवा इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ लोन पेयर और बाउंड पेयर आप कैसे डिसाइड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर अब आपको मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, तब भी आप हाइब्रिडाइजेशन इसके द्वारा निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला लिया है, वो फार्मूला है H=1/2 b + m - c + a। हम इस फार्मूले से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे H की वैल्यू 2 आएगी तो आपका SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, S की वैल्यू 3 आएगी तो SP2 हाइब्रिडाइज होगा, H की वैल्यू 3 आएगी 4 आएगा तो SP3 होगा, 5 आएगा SP3D होगा, 6 आएगा तो SP3D2 होगा और 7 आएगा तो SP3D3 होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर कोई डाईटॉमिक मॉलिक्यूल्स लगा हुआ है, डाई वैलेंट लगा हुआ, तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ मोनोवैलेंट एटम्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला है आपका H=1/2 b + m - c + a। बी क्या है? जो भी आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा उसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एम क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जिसकी वैलेंसी क्या हो, वन हो। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब एटम्स अगर जुड़े हुए हैं तो आप उसको ऐड करेंगे। सी क्या है? चार्ज ऑफ केटायन। ए क्या है? चार्ज ऑफ एनायन। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। माना कि हम एग्जांपल्स ले ली अमोनिया, यानी H3 मॉलिक्यूल्स में हम पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आपको कुछ नहीं पता है, आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है आपके पास 21 ग्रुप का एलिमेंट है, 15वें ग्रुप का, यानी 15 ग्रुप का एलिमेंट्स है। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप लोन पेयर कहते हैं। तो इसका आपको निकालना है H=2। तो H=2 आप इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फार्मूला बताया गया है H=B + m। H=2 क्या करना है, 1/2 b + m - c + a, यही आपको फार्मूला बताया गया है। तो अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन है ये सेंट्रल एटम है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होगा। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 5। बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 5 + m। का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, मोनोवैलेंट है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, डाईवैलेंट होता है। तो यम की जगह पे आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, यानी कितने अटैच हैं, 3। तो क्या हो गया आपका, 1/2 × 8। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको बताया गया है कि अगर H=4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, SP3। आप एक बार दोबारा देखेंगे, यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना था इस फार्मूले से। तो मैंने क्या किया है, फार्मूला लिखा H=1/2 b + m - c + a। बी क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी अमोनिया के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। मोनोवैलेंट एटम जिसकी बैलेंसी 1 हो, तो मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, इस 3 है, तो 3 कर यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/2 × 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, H की वैल्यू 4 आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3। तो आपने इस अकॉर्डिंग जाना कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो क्या है, SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगला जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो CH4 ले लीजिए। CH4 का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, H=1/2 b + m। बी क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस H4। H हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 4। कोई चार्ज ऑफ केटायन नहीं है, कोई चार्ज ऑफ एनायन नहीं है। अगर प्लस चार्ज होता तो आप C की जगह पे लिखते, माइनस चार्ज होता तो A की जगह पे लिखते, इसीलिए यहाँ पे B + m होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो H की वैल्यू 4 आएगी, इसीलिए जो आपका मेथेन मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, SP3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल लिए, आपसे डिस्कस किए कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। दूसरी बात है कि सारे मॉलिक्यूल को आप इस अनुसार हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। जैसे HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड होगा,
अब अगर आपको इसको निकालना होगा तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके ही निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन इस अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस अकॉर्डिंग इसमें फार्मूला आपका अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो क्या क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं प्लस लोन पेयर करते हैं। कभी भी पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है, इसके आधार पे भी आप निकाल सकते हैं। अगला मॉलिक्यूल, जैसे आपको NO2 माइनस लेना है, NO2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो H इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, 1/2 बी की जगह पे क्या रखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 हैं, प्लस आप क्या करेंगे, प्लस आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट है, इसीलिए यहाँ पे यम की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। केवल मोनोवैलेंट होता तो यम की जगह पे आप ऐड करते। नेक्स्ट आपको बताया गया कि अगर चार्ज ऑफ एनायंस है, एनायन का चार्ज है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको -1 को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 6। तो 1/2 करेंगे आप तो कितना आएगा, 3। अगर 3 आएगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो NO2 माइनस मालिक्यूल क्या होगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि किसी भी मालिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हैं, किन किन ट्रिक के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो आप सारे मालिक्यूल्स का जो मोनोवैलेंट स्पीसीज जिसमें अटैच होंगी, ऐसे जो भी आइटम्स होंगे सिंपल, उन सारे मालिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। हमें अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन में आपका कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आज की ये ट्रिक आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर हमसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।